न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैश्विक महामारी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, जिसके चलते जो जहां पर था वो वहीं पर कैद हो गया था। लेकिन अब सरकार ने कुछ राहत देते हुए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते कल गुजरात के साबरमती से चली कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेन से लगभग 1200 मजदूर कानपुर लाए गए हैं। स्पेशल ट्रेन आज सुबह 9:15 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 पर पहुंची। ट्रेन से कई जिलों के लगभग 1200 मजदूर जब उतरे तो उनके चेहरों में खुशी साफ झलक रही थी। हालांकि जिला प्रशासन इन सभी का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही उनको अपने घरों को भेजने का काम करेगा। फिलहाल कानपुर पहुंचे सभी लोगों की जाँच वहां पर मौजूद डॉक्टर टीम कर रही है, जिसके बाद सभी लोगों को सरकारी बसों के माध्यम से उनके जिले भेज दिया जाएगा। इस मौके पर किसी प्रकार की जल्दबाजी या फिर गड़बड़ी ना हो जाए, मौके पर डिप्टी सीटीएम हिमांशु उपाध्याय, एडीएम सिटी विवेक श्रीवास्तव, एसपी सिटी राजकुमार, सीओ श्वेता यादव, सीओ जीआरपी सिटी मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर आरपीएफ जीआरपी राजेश पाठक, संजीव दीक्षित, दधिवल तिवारी, सतीश कुमार सिंह द्वारा सभी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, जो सभी लोगों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। इन सबकी प्रॉपर जांच के बाद इन्हें यहां से रवाना किया जाएगा।